स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। 24 मार्च से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर जिला समाहरणालय में जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की, जिसमें उपायुक्त जे विजय नारायण राव, एडीएम नंदकिशोर लाल और एसडीओ संदीप कुमार मीणा के नेतृत्व में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 24 मार्च से 25 अप्रैल तक होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को किस प्रकार सुचारू रूप से संचालित एवं सम्पन्न कराया जाए, इस पर चर्चा की गई। वही बैठक में शामिल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्गत किए गए समय पर प्रश्न पत्र सभी केंद्रों में पहुंचने और परीक्षा संपन्न होने के बाद उसकी वापसी सुनिश्चित करें। साथ ही सभी केंद्रों में पानी और बाथरूम सुनिश्चित करना है। इस वर्ष धारभूम में 40 मैट्रिक और 19 इंटर का सेंटर बनाया गया है। इसमें कुल 40,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। दोनों परीक्षा दो सत्र में होंगे। प्रत्येक सत्र में दो पाली में परीक्षा होगी। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 से 11:20 तक होगी, वही दूसरी पाली 11:25 से लेकर 1:45 तक होगा। इसी तरह दूसरा सत्र इंटर की 2 बजे से लेकर 5:20 तक होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। वही 2-3 सेंटर को मिलाकर एक जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जो फाइलिंग स्क्वाड के सभी प्रश्न पत्र लाने और ले जाने में सहायक होंगे। वही सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 144 धारा लागू कर दी गई है, जहां ध्वनि विस्तारक यंत्र और 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी रहेगी। वहीं उपायुक्त ने सभी परीक्षा केंद्रों में मौजूद अधिकारियों पदाधिकारियों को 1 घंटा पूर्व प्रश्न पत्र केंद्र में मौजूद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही किसी भी तरह का कोताही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया गया है, अन्यथा उन पर विभागीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक मैट्रिकुलेशन 2022 का एग्जाम 24 मार्च से शुरू है और यह हमारे जिलों में लगभग सारे केंद्रों में कंडक्ट किया जा रहा है। इसको सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक समीक्षा बैठक और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो लोगों के बीच में, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीओ धालबुम इन्हों के संयुक्त लीडरशिप के अंदर ये बैठक कंडक्ट हुई है। बेसिकली जो मैजिस्ट्रियल ड्यूटीज पे अपॉइंटेड मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके बीच में और स्कूल्स कॉलेजेस के सुपरिटेंडेंट्स या एजुकेशन के साइड से लोगों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। एग्जामिनेशन सेंटर्स पे क्वेश्चन पेपर्स टाइम पे पहुंचे, एग्जामिनेशन के दिए हुए टाइम टेबल के तालिका अनुसार एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और फिर वो उसी ही डेजिग्नेटेड टाइम पे खत्म हो, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट बाथरूम की साफ सफाई हो, जनरल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सही हो और सुचारू रूप से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, इसी बैठक का ये मुख्य उद्देश्य है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दोनों का जो एग्जाम है वो 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 25 अप्रैल तक एग्जाम चलेगा। यहाँ पे जो है हमारे द्वारा 46 जो है 10th क्लास के सेंटर्स जो है धालमू अनुमंडल में बनाए गए हैं और 19th जो है वो 12th के सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। लगभग पूरे जिला में यदि आप देखोगे तो लगभग जो है 40,000 बच्चे दोनों कक्षाओं में जो है पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में। कितनी पाली में एग्जाम होगी सर? एग्जाम जो है पहली पाली जो है हर चाहे वो 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो दो दो पालियों में एग्जाम होना। मॉर्निंग जो फर्स्ट हाफ है उसमें 10वीं का दो पालियों में एग्जाम होना 1.5 घंटे का और जो सेकंड हाफ है 2 बजे से उसमें जो है 12th का एग्जाम होना। कितने मजिस्ट्रेट तैनात होंगे सर? सारे सेंटर्स पे जितने भी चाहे 10th का सेंटर हो चाहे 12th का सेंटर हो हर सेंटर पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट है सारे सेंटर पर, वो वहीं पर रहेगा। मजिस्ट्रेट के साथ में फोर्स डिप्यूट की गई है हर सेंटर पर, उसके साथ में जो है 2 या 3 सेंटर को मिलाकर के एक जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया, उसी को फ्लाइंग स्क्वाड का काम दिया गया क्योंकि वो यहां से वज्रग्रह से जो है एग्जामिनेशन का पेपर लेकर के जाएगा, वहां पर सेंटर सुपरिटेंडेंट को रिसीव कराएगा, उसके बाद में जो है एग्जाम खत्म होने के बाद उसी को लेकर के वज्रग्रह में आकर डिपॉजिट करेगा। साथ में वो मल्टीपल सेंटर्स में जो है विजिट करेगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कदाचार मुक्त संचालित है। सर सेंटर से कितने दायरे में 144 लगी गई? सेंटर से 100 मीटर की परिधि में 144 लगा दी गई है और जो 24 तारीख से जिस दिन से एग्जाम होगी उस दिन के 6 बजे जो है वो इन्फोर्समेंट में आ जाएगी। उसमें ये रखा गया किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड पर्सन को जो है अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है उसके अलावा किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, जिससे 100 मीटर की दूरी में जो है 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना भी प्रतिबंधित है। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।